देखिए, जो चुनाव के समय, चुनाव के बाद जो सर्वे लोग करते हैं कि कौन कौन सी जातियां चुनाव में किस किस पार्टी को कितना परसेंटेज वोट देती हैं, तो उसी कड़ी में घोसी के चुनाव में कई एजेंसियों ने सर्वे किया चुनाव के दौरान और चुनाव खत्म होने के बाद। तो जो सर्वे रिपोर्ट आई है, उस सर्वे में जैसे घोसी में भूमिहार 23,000 वोट है, पोल हुआ 10,500, तो वहाँ सपा जो प्रत्याशी है उसको मिला 48 से 49%, एजेंसी का मानना है। वहीं दारा चौहान को 48 से 49% दारा को भी मिला। राजपूत का वोट है 22,000, पोल हुआ 11,000, जिसमें सपा के कैंडिडेट को 95 से 96%, और वहीं बीजेपी के कैंडिडेट को 2 से 3%। वहीं जो है ब्राह्मण एंड अदर 10,000 वोट, पोल हुआ 5,000, तो 79 से 80% वोट एसपी को मिला है, और 18 से 19% दारा चौहान को, एनडीए कैंडिडेट को। वहीं जैसे आपके यादव 52,000, तो 96 से 97% वोट एसपी को मिला है, और 1 से 2% वोट एनडीए कैंडिडेट को मिला है दारा चौहान को। वहीं 68,000 वोट राजभर का है, 34,000 पोल हुआ है, जिसमें 7 से 10% वोट एसपी को मिला है, और 83 से 90% एनडीए कैंडिडेट दारा चौहान को मिला है। वहीं 40,000 वोट है नुनिया चौहान का, जिसमें 24,000 पोल हुआ है, 20 से 21% वोट एसपी को मिला है, एसपी कैंडिडेट को, और 79 से 80% एनडीए कैंडिडेट मीन्स दारा चौहान को। 15,000 वोट बिंद निषाद का, जिसमें 7,500 पोल हुआ है, 27 से 28% वोट एसपी कैंडिडेट को मिला है, और वहीं एनडीए कैंडिडेट दारा चौहान को जो है वो वोट मिला है 67 से 68%। वहीं जो है अदर वोट 11,000 पोल हुआ है, 44 से 45% वोट एसपी कैंडिडेट को मिला है, और एनडीए कैंडिडेट दारा चौहान को 46 से 47%। वहीं जाटो मीन्स दलित 60,000 वोट है, 30,000 पोलिंग हुई है, 34 से 35% वोट एसपी को मिला है, 56 से 57% बीजेपी को मिला है, एनडीए कैंडिडेट बीजेपी दारा चौहान को। उसी तरह धोबी पासी अदर जातियां 20,000, इसमें 9,000 पोल हुआ है, कुल 39 से 40% एसपी को मिला है, और 57 से 68% जो है कैंडिडेट एनडीए कैंडिडेट सुधाकर ये कैंडिडेट दारा चौहान को 57 से 58% मिला है। कुल मुस्लिम वोट यहाँ 81%, इसमें 45,500 पोलिंग हुई, 89 से 90% एसपी कैंडिडेट को मिला है, और 1 से 2% वोट एनडीए कैंडिडेट दारा चौहान जी को मिला है। ये रिजल्ट घोसी के जो वोट पोल हुआ है और जो कैंडिडेट वोट पाया है हमारा, उसका जो है ये आंकड़ा निकाला है सर्वे जो एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों ने कि कौन कौन सी कमिटी का किसको किसको वोट मिला है। तो एजेंसी कैसी एजेंसी है और कितना विश्वास है आपको इस एजेंसी? देखिए, चुनाव के समय जो एजेंसियां सर्वे करती हैं तो सर्वे रिपोर्ट देती हैं कि इतना वोट है तो इतना परसेंटेज वोट इनको जाता है, इनको इतना जाता है, तो उसमें ज़्यादातर कई एजेंसियों का जब मिलान होता है तो लगभग 1%, 2%, 3% का अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सारे काम सारे चीज एक ही क्लास में पढ़ के वो काम करते हैं, तो बहुत अंतर नहीं होता है। आपकी जाति का या समाज का कितना वोट सपा को मिला और कितना एनडीए? देखिए, जो सर्वे रिपोर्ट है 68,000 कुल वोट है, 34,000 पोलिंग हुई है, और 34,000 में 7 से 10% सपा कैंडिडेट को मिला है, जो चेन्नई लोग कहते हैं 10% अपवाद रहता है, वही अपवाद वाला वोट सपा कैंडिडेट को मिला है, और वहीं जो है 83 से 90% वोट एनडीए कैंडिडेट दारा चौहान को मिला है। टोटल
राउंड अबाउट कितना वोट? टोटल 81,000 वोट मिला है दारा चौहान जी को, और 1,00,000 करीब 24,000 कुछ उनको मिला है। मतलब आप मानते हैं कि जो जिस जिस प्रचार के लिए आप गए थे, लगाए गए थे, उस समाज का वोट ठीक ठाक मिला है जो इंडिकेटर? देखिए उसका प्रदर्शन भी रहा, हम लोग पूरी पार्टी गांव गांव चौपाल लगा के डेली हमारी पार्टी 100 चौपाल छोटे बड़े लगाती रही, और जिसका प्रदर्शन नामांकन में भी देखने को मिला, बड़ी संख्या में लोग आए थे। फिर जब माननीय केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम का कार्यक्रम लगा था तो उसमें भी बड़ी संख्या में लोग आए थे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था तो वहाँ करीब 2,500 की भीड़ थी, और उस भीड़ में बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल करके वहाँ गए थे। तो जब वोट देना था तब ना लोग घर से निकल के गए, वोट नहीं देना होता तो लोग अपने घर बैठे रहते। मतलब राजभर जो बिरादरी है उनका अधिकतर वोट आपका मानना है कि जो दारा सिंह चौहान है उनको मिला है? देखिए उसका रीजन है, हम लोग लगभग धीरे धीरे 20 साल हो गया समाज को समझा रहे हैं कि राजनीति में जो जातियां नहीं लड़ती हैं उनका कोई पहचान नहीं होता है। तो पार्टी जब से बनी है बड़ी संख्या में, कल तक लोग राजभर को जानते नहीं थे कि ये कहाँ